भाजपा ने झारखंड की सरकार अभी गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उससे पहले राजस्थान में गिराने की कोशिश की। वो छोटे मोदी हैं, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं बुलाते, ये ANI का एक चैनल लेते हैं, अपनी बात करते हैं, मीडिया के सवाल करने की हिम्मत नहीं। लड़ाई एक बड़े ठग और छोटे ठग में होगी। बड़े ठग ने देश के सरकारी बैंकों को पूंजीपति मित्रों के साथ मिलकर करोड़ों का चूना लगाया। जय हिंद साथियों, भारत की राजधानी दिल्ली में इस समय हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री राजघाट पहुंच चुके हैं, बापू की उस समाधि पर जहां पर इनके सारे पंजाब और दिल्ली में सरकार आने के बाद बापू की, महात्मा गांधी की तस्वीरें हटा दी जाती हैं, लेकिन याद फिर बापू आते हैं और राजघाट पहुंच के ड्रामा होता है। ड्रामा हो क्या रहा है? आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि भाजपा उनके 40 विधायकों को 20-20 करोड़ में खरीदना चाह रही है। हमारे विधायकों को संपर्क हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बिल्कुल मानती है कि केंद्र की भाजपा सरकार अपनी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ करती है, बिल्कुल। लेकिन केजरीवाल ये नहीं मान रहे थे जब दूसरे राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ इन संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल किया जा रहा था, क्योंकि पार्लियामेंट में 17 राजनीतिक दलों ने मीटिंग बुलाई इसी पर, लेकिन केजरीवाल नदारद रहे। तो तब उनको लगता था कि भाजपा की ये संवैधानिक संस्थाएं ठीक कर रही हैं, लेकिन जब अपने पर आई तो अब उनको लगता है बिल्कुल ये भी बात सच है कि भाजपा ने झारखंड की सरकार अभी गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उससे पहले राजस्थान में गिराने की कोशिश की, मध्य प्रदेश में गिराने में कामयाब हुए, महाराष्ट्र में गिराने में कामयाब हुए। ये सब हम बोल रहे थे कि केंद्र की भाजपा सरकार अपनी सत्ता, पैसे, संवैधानिक संस्थाओं के दम पर लोकतांत्रिक चुनी सरकारों को गिराने का काम करी, पर ये केजरीवाल तब भी भाजपा के साथ बने रहे, खड़े रहे और चुप्पी साध ली। महाराष्ट्र में सरकार गिरी, मध्य प्रदेश में सरकार गिरी, राजस्थान में कोशिश हुई, झारखंड में कोशिशें चल रही है, लेकिन मुंह से जबान नहीं खोली गई। अब केजरीवाल को मालूम है कि भाजपा संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करती है, भाजपा जो है सरकारों को गिराने का काम करती है, ये अब देश ने विश्वास कर लिया और सच भी है, तो इसलिए इसका अब फायदा उठाया जाए, अब फायदा उठाया जाए। और अब केजरीवाल, मैं आपसे जनता से पूछती हूं, अगर केजरीवाल जी के 20 विधायकों को या 40 विधायकों को 20-20 करोड़ देने का जो है वो लालच दिया गया है, संपर्क किया गया है, और इनके तो जो सौरभ भारद्वाज पूर्व मंत्री विधायक अभी हैं, उनका कहना है उनके पास वीडियो रिकॉर्डिंग है। मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहती हूँ, देश की जनता से पूछना चाहती हूँ, केजरीवाल जी राजघाट जाने की बजाय क्या उन्हें पुलिस हेडक्वार्टर नहीं जाना चाहिए था? क्या उन्हें CBI के पास नहीं जाना चाहिए था? क्या उन्हें ED के पास नहीं जाना चाहिए था, उन सारे ऑडियो वीडियो और सबूतों के साथ और अपने उन विधायकों के साथ जिसे BJP के नेताओं ने, मुझे विश्वास है BJP के विधायकों ने 20-20 करोड़ का लालच दिया सरकार गिराने की बात की, जाना चाहिए या नहीं? हाँ या ना करिएगा। केजरीवाल क्यों नहीं जा रहे? केजरीवाल क्यों ED, CBI, पुलिस के साथ, अपने विधायकों के साथ उनके पास जाकर सारे सबूत देकर देश के सामने, दिल्ली के सामने भाजपा के उन नेताओं को पूरी तरह बेनकाब कर दें जिन्होंने फिर एक बार दिल्ली में एक लोकतांत्रिक सरकार को गिराने का प्रयास किया, उनके विधायकों को 20-20 करोड़ में खरीदने का प्रयास किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल नहीं कर रहे ऐसा। तो इसी से पता लगता है कि वो एक बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलने का मकसद मात्र एक है, किसी तरह मीडिया में बने रहिए। पहले बोला कि ये जो CBI ED की रेड है वो उन्हें गलत, उनको जो है शिकार बना रही है। कांग्रेस ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सारे सबूत दिए हैं कि इनकी शराब नीति में 144 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है, मुख्य सचिव ने भी माना और रिपोर्ट LG साहब को दी, LG ने CBI को दी, ये तो हम मान रहे। फिर उस पर जवाब दिए नहीं बना तो आ गए शिक्षा नीति, बात शराब नीति की है उस पर कुछ नहीं बोला और बोल रहे हैं शराब नीति, उसके पीछे छुपने की कोशिश की। अब जब शराब नीति के पीछे, शिक्षा नीति के पीछे आप शराब नीति नहीं छुपा पा रहे, लोगों ने मान लिया आप भ्रष्ट हैं, आपने दिल्ली में एक शराब की बोतल के साथ एक फ्री देकर दिल्ली को शराब की राजधानी बनाकर वहां पर विरोध हुआ, उसको नजरअंदाज करके महिलाओं को देवली जैसी विधानसभाओं में पिटवाया, ये सब देखा, तो अब आप कह रहे हैं हमारे विधायकों को खरीद के। अरे आपके पास 70 में से 62 विधायक हैं, भाजपा के पास मात्र 8, कांग्रेस तो है ही नहीं।
तो यहां पर बात गले से उतरती नहीं है, लेकिन हाँ आपको सच तब मानेंगे जब आप सबूत रख देंगे, आप ईडी पुलिस में जाइए, लेकिन आप कर नहीं रहे क्योंकि आप ध्यान भटका रहे हैं अपने इस भ्रष्टाचार के मुद्दे से कि आप फंस चुके हैं पूरी तरीके। अब मैं आपको सिलसिलेवार बताती हूं, बस यही खत्म कर दूंगी। हरिनगर का विधायक, दो बार का चुना हुआ विधायक, नाम है जगदीप, राइट। 84 में उनके पिताजी को जिंदा जलाया गया था। उसकी टिकट, दो बार के आम आदमी पार्टी के विधायक की टिकट किसी और ने नहीं, केजरीवाल ने काटी। और दी किसको? दी उसको जो वहां से पूर्व नगर निगम पार्षद थी, कांग्रेस में थी, भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जगदीप ने उन्हीं को हराया था। लेकिन केजरीवाल ने उस आदमी की टिकट, अपने उस आदमी की टिकट काटकर इनको टिकट दिया। आ जाइए दिल्ली कैंट, आ जाइए कमांडर सुरेंद्र, मुंबई आतंकी हमले में वो कमांडर डट के खड़ा था, दो बार का कैंट से इनका विधायक टिकट काट दी। दी किसको? जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और जिनको 15 में हराया, 20 में उन्हीं को टिकट दिया। आ जाइए द्वारका में, लाल बहादुर शास्त्री जी के पोते आदर्श शास्त्री आम आदमी पार्टी के विधायक थे, उनकी टिकट काटी। और दी किसको? जिसने 2015 में इन्हीं आदर्श शास्त्री ने जिसको हराया था, वो कांग्रेस का नेता था, केजरीवाल भ्रष्ट बता रहे थे, उनको टिकट दिया। मेरी विधानसभा में आ जाइए, जिसे भ्रष्ट बता रहे थे 15 साल से, तीन बार का कांग्रेस का विधायक था, 15 में भ्रष्ट बताया, टिकट जो है उसको हमने हरा दिया, 20 में उसी को टिकट दिया। अब आ जाइए आप, ले चलती हूं आपको बदरपुर में, एनडी शर्मा आम आदमी पार्टी का विधायक, उसने जिसको हराया था 15 में, साफ उसने वीडियो भी मैंने अभी शेयर किया, कहा कि मुझसे आम आदमी पार्टी ने कहा है दोबारा टिकट चाहिए, और नाम लिया मैंने सिसोदिया का, घर में बुलाया, बोला तुम विधायक हो, तुम्हें 20 में दोबारा टिकट चाहिए तो 20 करोड़ रुपया देना होगा। क्यों? क्योंकि एक और बड़ा नेता है जो दूसरी पार्टी का है, इसी जगह से विधायक रहा, तुमने ही उसे 15 में हराया, वो पार्टी में आकर हमसे टिकट मांग रहा, दुगने दाम दे रहा है। ये एनडी शर्मा आम आदमी पार्टी के विधायक ने टिकटों की घोषणा से पहले कहा। क्या करना चाहिए था भाजपा को भी या आम आदमी पार्टी, इसकी जांच होनी चाहिए थी, लेकिन कोई मनीष सिसोदिया के खिलाफ जांच नहीं हुई कि आप ही का विधायक एनडी शर्मा आप पर आरोप लगा रहा है। लेकिन जब फैसला हुआ तो समझ आ गया एनडी शर्मा की आम आदमी पार्टी के सिटिंग विधायक की टिकट कटती है, और जिस पूर्व विधायक वहां से जिसपे भ्रष्टाचार के आरोप थे, जिसे 15 में हराया था, उससे पार्टी में लेकर टिकट दे दिया जाता है। लेकिन इस बात की कोई जांच नहीं होती, इन आरोपों की कोई जांच नहीं होती कि 20-20 करोड़ में। अब ठीक है, आम आदमी पार्टी के एक चल रहा है कि जो विधायक 20-20 करोड़ रुपए देकर टिकट लेकर आए, विधायक बने हैं, बीजेपी उन्हें 21 करोड़ में, मात्र 1 करोड़ ऊपर दे रही है, इसलिए शायद वो बिकने को तैयार नहीं है। बोली थोड़ी ऊपर करिए, केजरीवाल जी सबूत नहीं देंगे, वो सिर्फ आरोप लगाएंगे आप पर, क्योंकि ये भाजपा और आम आदमी का मिला जुला खेल है। मिला जुला खेल सिर्फ है कि जो मुद्दे हैं उनसे भटका दीजिए, उस मुद्दों पर कोई चर्चा ही ना हो कि देश में बेरोजगारी है, देश में पूरी तरह से महंगाई से लोग त्रस्त हैं, दिल्ली हवाओं की सबसे जहरीली हवाओं वाली विश्व की राजधानी बन चुकी है, यमुना का पानी, लोग परेशान हैं। नहीं, मुद्दा नहीं हो, मुद्दा सिर्फ ये हो कि भाजपा और आम आदमी के इस खेल में कैसे एक दूसरे के ऊपर जितना कीचड़ उछाला जाए उछालते रहिए, लोगों का टेलीविजन पे डिबेट में एंटरटेनमेंट करते रहिए, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच में लोग मजे लेते हैं वैसे मजे लीजिए, हाथ में क्या लगेगा कि किसी को नहीं पता है। तो मैं आप सभी से कहूंगी, ये भाजपा और आम आदमी का मिला जुला खेल है, शराब नीति ने राजधानी दिल्ली को बर्बाद किया, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग होता है, हो रहा है, सबूत दे रही हूं। लास्ट में पार्लियामेंट में पंकज चौधरी भाजपा के वित्त राज्य मंत्री से कांग्रेस ने सवाल पूछा, 8 साल से मोदी जी की सरकार में कितने मामले ईडी ने दर्ज किए हैं, कितने मामले दर्ज किए हैं? जवाब मिलता है 3,985 ईडी ने मात्र 8 साल में मामले दर्ज किए। ठीक है, मामला दर्ज हो गया, अब रेड कितनों पे की कार्रवाई, रेड पता लगता है 3,010 पे रेड हुई। ठीक है, अब रेड के बाद चार्जशीट कितनों पर हुआ तो पता लगता है
890 पर जो है वो चार्जशीट होता है, मामला कोर्ट तक पहुंचता है। उसके बाद पद पूछते हैं कि 8 साल में दोषी कितने करार दिए गए, सजा कितनों को हो गई, तो पता लगता है मात्र 23। कितने? 23। कितने थे? 3985 मामले भाजपा दर्ज करती है और अंजाम तक 8 साल में सजा मिलती है मात्र 23 को। इन 23 में कांग्रेस के कितने नेता हैं? एक भी नहीं। ये गर्व होता है मुझे बताते हुए कि 3985 मामले, सबसे ज्यादा ईडी की रेड हमारी नेता सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी से लेकर हर एक को घेरे में ले लिया, लेकिन 8 साल में 23 को अंजाम तक पहुंचाया और 23 में गर्व होता बताते भी एक भी कांग्रेस का नहीं है। तब ये केजरीवाल पूरी तरह से रामलीला मैदान में इसी भाजपा के साथ खड़े हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, शीला जी को बदनाम कर रहे थे। 8 साल में ना मोदी जी और ना केजरीवाल एक भी आरोप साबित कर पाए, एक को भी सजा नहीं हुई, क्योंकि सबूत ही नहीं थे। झूठे बदनाम किया रामलीला मैदान से और आज अपने पर आई तो मनीष सिसोदिया के वीडियो वायरल हो रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कहते थे आप ईमानदार हैं या नहीं है, या आप थोड़ी ना तय करेंगे, ये तो देश तय करेगा, ये तो निष्पक्षता से जांच तय करेगी, जांच से गुजरना होगा। वो डॉक्टर मनमोहन सिंह निष्पक्षता से एजेंसियों की जांच जो केंद्र की भाजपा सरकार के अधीन है अभी हुई है, बिल्कुल पाक साफ निकले हैं। तो ये बात तो मनीष सिसोदिया जी आप पर, सत्येंद्र जैन पर लागू नहीं होती। सत्येंद्र जैन 2 महीने से जेल में है, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, हां या नहीं? उनकी याददाश्त चली गई है। अब आप नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले, अभी तक इस्तीफा देना चाहिए था और आप केजरीवाल जी को 2024 में प्रधानमंत्री का चेहरा बता रहे हैं और केजरीवाल जी महाठग आपको भारत रत्न देने की बात कर रहे हैं, जैसे आप पर तो कोई भ्रष्टाचार का आरोप ही नहीं, और आरोप था तो आप तो क्लीन चिट लेकर आ गए हैं, बिल्कुल आपको भारत रत्न मिलना चाहिए। कभी आप भगत सिंह के वंशज होता हो जाते हैं तो कभी गुजरात में राजपूतों का वोट लेने के लिए महाराणा प्रताप के वंशज हो जाते हैं। आज बापू की समाधि पर जाकर नाटक हो रहा है, बापू की समाधि पर नहीं, सीबीआई ईडी पुलिस में जाइए उन सारे सबूतों को लेकर कि भाजपा के, और उस नेता का नाम बताइए, वीडियो छुपाइए मत, नाम छुपाइए मत, भाजपा के साथ मिलजुल कर ये खेल जो आप खेल रहे हैं ना दिल्ली और देश को, जो आपके भ्रष्टाचार के मामलों से ध्यान भटकाने के लिए, वो कांग्रेस भटकने नहीं देगी। कम से कम अलका लामा ठगी आपकी जो है इसको कामयाब होने नहीं देगी। 5 साल विधायक रही हूं, आपकी इस ठगी को जानती हूं। योगेंद्र यादव जी ने भी आज ट्वीट किया और आज तक का एक वीडियो वायरल हो रहा है कि किस तरीके से ये केजरीवाल अपने ही नेताओं के खिलाफ झूठे फोन कराते थे। कभी का डॉक्टर कुमार विश्वास कन्वीनर बनना चाहते हैं, ये तो संविधान में लिखा था कि कोई भी अध्यक्ष 1 साल रहेगा और हर 1 साल बाद चुनाव होगा, लेकिन आप 10 साल से कन्वीनर हैं। और जब लोग पार्टी का कार्यकर्ताओं ने कहा कन्वीनर कुमार विश्वास जी को होना चाहिए, आपने कुमार विश्वास जी पर आरोप लगा दिया, ये मेरी पार्टी मेरी सरकार गिराना चाहता है। आपने योगेंद्र यादव जी पर आरोप लगा दिए, आपने प्रशांत भूषण, मयंक गांधी, आशीष खेतान, कितनों के नाम लूंगे जिसने भी आपको चुनौती दी कि आप संविधान से भ्रष्टाचार से समझौते कर रहे हैं, उन्हीं को आपने चलता कर दिया। और आज राजघाट में जाके ढोंग कर रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं। भ्रष्टाचार तो हुआ है, भाजपा आपको छोड़ दे लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं छोड़ेगी। सबूत हमारे पास है, सबूत हमने दिए हैं, हमने दिए हैं। मैं कह रही हूं 98% मामलों में भाजपा सीबीआई ईडी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, 98% मामलों में अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ। तभी तो 3985 केसों में 23 को ही सजा होती है, बाकी क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि आपने झूठे फंसाए। लेकिन 2% केस हम मानते हैं सही भी है, इसमें बंगाल में पैसों के साथ पकड़े गए सब, अब आपकी दिल्ली में आपका मंत्री 2 महीने से जेल है, उसको भारत रत्न देने की बात क्यों नहीं करते? अरविंद केजरीवाल जी के मुंह से सुना है कि सत्येंद्र जैन को भारत रत्न मिलना चाहिए, क्यों नहीं कह रहे हैं? 2 महीने से जेल में हैं, क्यों अरविंद केजरीवाल आप उनके लिए राजघाट गए? क्यों आप उनके लिए अपने पंजाब के 90, दिल्ली के 60 विधायक और आपके 10 राज्यसभा सांसदों के साथ सत्येंद्र जैन के लिए सड़कों पर उतरे? क्यों नहीं उनके लिए भारत रत्न मांग रहे हैं? शर्म करिए, शर्म करिए। और भाजपा के साथ ये मिला हुआ जुला खेल खेलना बंद करिए। लास्ट में चुनौती दे रही हूं,
अगर भाजपा ने, भाजपा के नेताओं ने आम आदमी पार्टी के 40 विधायकों को 20-20 करोड़ देकर खरीदने की कोशिश की है, सौरभ भारद्वाज के मुताबिक आपके पास वीडियो प्रूफ है, सबूत है, तो आज अभी इसी वक्त कांग्रेस आपके साथ चलती है, उन सारे सबूतों को लीजिए, चलिए ईडी के पास, पुलिस के पास, सीबीआई के पास, उन नेताओं के नाम बताइए, सबूत दीजिए, उनके पर तुरंत कार्रवाई हो, इन्हें बेनकाब करें, क्योंकि ये सरकारें गिराते हैं, हम कह रहे हैं, ये संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हैं, ये हम कह रहे हैं, लेकिन आप अगर आगे नहीं आएंगे तो ये सच और साबित होगा कि आप भ्रष्ट हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आपके खिलाफ जो कार्रवाइयां ईडी और सीबीआई कर रही है वो सही कर रही है, क्योंकि आप ने भ्रष्टाचार किया, ये हमारा भी मानना है। सामना करिए, जैसे आप रामलीला मैदान में ललकारते थे वैसे हम आपको ललकार रहे हैं, आइए जांच एजेंसियों का सामना करिए, सबूतों को, क्योंकि बहुत आपने कागज उछाले थे, बाबा रामदेव बड़े बड़े पोथे लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के खिलाफ आरोप लगाते रहे, बहुत आरोप लगाते, लेकिन 8 साल में सारे आरोपों से बाइज्जत बरी होकर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी निकले हैं। शीला दीक्षित जी तो दुनिया में नहीं रही, आपके आरोप ही नहीं साबित हो पाए और वो जो है दुनिया से छूट गई। तो मैं दिल्ली वालों को कहूंगी, सिर्फ आपको मुद्दों से भटकाने के लिए भाजपा आम आदमी पार्टी का ये खुला खेल चल रहा है कि किस तरह से टीवी पे जो मुद्दे आने हैं, बेरोजगारी के, महंगाई के, जिसपे जनता से जुड़े मुद्दे हैं, जिनका जनता से सरोकार है, उसको ना दिखाया जाए। भाजपा और आम आदमी का ये जो खेल दिल्ली में चल रहा है, उस खेल में आपको व्यस्त कर दिया जाए पूरी तरह से। केजरीवाल ने कह दिया है राजघाट जाऊंगा, विधायकों को खरीदा फरोता जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, सवाल मत पूछिए। और सच है, एक भी मीडिया का आदमी केजरीवाल से सवाल करने की हिम्मत नहीं कर रहा, कोई भी एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बता दीजिएगा जहां पर मीडिया के सवालों के जवाब अरविंद केजरीवाल दे रहे हो। वो छोटे मोदी हैं, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं बुलाते, ये एएनआई का एक चैनल लेते हैं, अपनी बात करते हैं, मीडिया के सवाल करने की हिम्मत नहीं। और ये भी कहा है, मेरी खबर जो मैं चलाऊंगा अरविंद केजरीवाल, मुझे पत्रकार बता रहे हैं, हमें ये कहा गया है कि अगर अरविंद केजरीवाल जो चाहेगा वही मीडिया में चलेगा, अगर आप नहीं चलाएंगे तो करोड़ों रुपए के जो विज्ञापन पंजाब की सरकार और दिल्ली की सरकार दे रही है, वो आपके करोड़ों रुपए के विज्ञापन हम बंद कर देंगे। तो जो अरविंद केजरीवाल चाहता है वो कुछ टीवी चैनल चला रहे हैं, केजरीवाल की नजर बनी हुई है उनपे, जो नहीं चला रहा उनकी एड करोड़ों रुपए के जो एड है, 1000 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार ने अब तक, 1000 करोड़ अब तक विज्ञापनों पर एड पे खर्च कर दिया है। तो सीधा मीडिया के लोगों को 1000 करोड़ का अखबारों को नुकसान हो सकता है अगर वो नहीं दिखाया जो केजरीवाल चाहता है। जो भाजपा की बी टीम बनकर पूरे देश का ध्यान राजधानी दिल्ली के इस खेल की तरफ रखना चाहते हैं, ताकि अहम मुद्दे जो हैं उनसे हम भटक जाएं। मैं आप सभी साथियों को कहूंगी, वीडियो शेयर करिएगा, इस आम आदमी पार्टी के ठगों को बेनकाब करना बेहद जरूरी है, जिसका एक सांसद देश में नहीं है, वो 2024 में देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा है, तय कर रहा है कि लड़ाई एक बड़े ठग और छोटे ठग में होगी। बड़े ठग ने देश के सरकारी बैंकों को पूंजीपति मित्रों के साथ मिलकर करोड़ों का चूना लगाया, और दिल्ली का छोटा मोदी, छोटा ठग जो है दिल्ली सरकार के खजानों में करोड़ों रुपए के सरकारी विज्ञापनों को देकर, सच्चाई को दबाकर, झूठ को जो है आडंबर रचाकर आपको और हमें मुद्दों से भटका रहा है।